मुंडी छेती चाची ने कसूती चाची मारी अड़े पड़ोस में इतना थोड़ी लगा कर है मैंने तो सुना है। हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग सभी को भी। क्या हाल है सभी के? मेरे हिसाब से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस सुबह के भाई 5:30 बज चुके हैं अभी। मैं उठा था अभी 5 बजे उठा था सुबह, क्योंकि इतनी जल्दी वैसे उठा ना करता मैं, पर आज उठा था मैं। मैंने सुबह सुबह आवाज़ आई हुई नीचे से, तेज तेज आवाज़ में लेडीज बोल लाग रही, मक्की तड़का तड़की समस्या जागी। तो भाई मैंने बाहर लेकर के देखा तो चाची आ रही पड़ोस में थे। चाची ने बोला गया, अरे चाची बोल रही, मम्मी मीनू सारे बोल रहे थे। तो देखा भाई नीचे जाके, मैंने नीचे जाके सांप पाया भाई। सांप ने देख कर सारे की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तो चाची आई भाई, पूरा लंबा लठ ले गए। और वो चाची ने आते भाई दो मारे उसकी सांप की मुंह पे लाठी खोद, और वह सांप कर दिया चित, सांप मार दिया भाई। फिर जाके नीचे देखा, मैं उतर गया जो कड़े तड़का तड़का का न्यू हो रही थी यार। तो भाई तड़के तड़क दे लो गुड मॉर्निंग सांप के साथ हुई मारी। और चाची भाई बाहर नहीं ला करती, जब लपेट दिया रहे भाई इसने। और गाइस अभी नवी सो रहा है भाई, देखो नवी कुम करने वाली नींद रह रहा भाई नवी, तो यो नहीं लता भी। और अब भी टाइम हो चुका गाइस, अभी तो 6:45 हो गए हैं, 6:45 हो गया अभी तो, क्योंकि मैं उठा था 5 बजे था, पर मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गया भाई। मैंने सांप की वीडियो शूट नहीं करी, बल्कि चाची दिखा रही थी अब इसकी वीडियो बना वहाँ चाची नहीं अभी नहीं। तो गाइस चलो एक बार नवी को उठा लेते हैं, नवी को भी स्कूल जाना है भाई। नवी को भी 7 बजे घर से निकलना होता है और 6:45 बज गए हैं। तो चलो गाइस एक बार नवी को उठाते हैं, फिर नवी स्कूल जाएगा, तैयार होएगा अभी तो। नवी नवी गहरी नींद में है, नवी सो रहा भी गहरी नींद में है, उठाना पड़ेगा अभी इसको। नवी गुड मॉर्निंग, उठो फिर जल्दी उठो बेटा, चलो नीचे चलेंगे माँ जी के पास, चले आ जाओ फिर आ जाओ। तो गाइस नवी उठ चुका है फाइनली, देखो नवी उठ गया भाई। गुड मॉर्निंग बोलो गाइस को, देखो गाइस ऐसे हेलो करके बोलते हैं, हेलो गाइस। नवी की आवाज नहीं निकल रही भाई नींद में, नवी चलो बेटा नीचे माजी के पास चले चलो। तो मम्मी लाग रही भाई खिंचाई भी लाग रही है, गिया ने छोलने लाग रही है, पर काबू में बात आई नहीं, मीनू लेकर आई भाई दूसरा औजार उठा के लाई है इस तरह, फिर कराए नए सिस्टम हाँ चालू, और उसके बाद गिया छोली इस तरह। तो मैदान में उतरी भाई मीनू छोलन थी आई है, और मीनू ने भाई छोल छाल दिया, अरे मम्मी ने कर दिया ये कसना शुरू, गिया कस लेकर आई मम्मी, और गिया कस में कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि मम्मी की प्लानिंग है भाई रायता बनाने की, तो रायता बनेगा अभी। उसके बाद आ गई सनाया उठ कर आ गई, अभी सोफे में टक्कर मार लाग रही है, तो सनाया आई अभी, और फिर कर दिए भाई इनकी स्कूल जाने की तैयारी, नवी को नवा दवा कर तैयार कर दिया भाई, इसको सॉक्स वगैरह पहनाने लग रही है मीनू, और सनाया भी तैयार होने लग रही है, क्योंकि इसके बाद फिर इन्हें जाना है भी स्कूल में, स्कूल में लग रही हैं लेट, इनकी बस आने वाली है, तो इसलिए उनको तैयार कर दिया है नवी को और सनाया को। वही नवी बहुत आलसी है, तैयार त्यूर होगा दोबारा लौट गया, पहले मैं तो सोऊंगा। तो गाइज अभी इसको खाना खिलाना है, तो खाना वाना खिला के अभी 5-7 मिनट बाद इसकी बस आएगी स्टॉप पे, तो चलो गाइज एक बार इसको मीनू खाना खिला देती है, उसके बाद फिर चलेंगे। खाना खाने में भी बहुत बहाने करता है ये, नौटंकी करके उसके बाद खाना खाता है। कौन सी मैडम गुस्सा कर रही थी आपको? रेखा मैडम। क्या बोल रही थी? नो 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 बोल रही थी, नवी जल्दी जल्दी खाना खा ले नहीं तो पिटाई कर दूंगी। नवी और स्नेहा भी दोनों रेडी हो चुके हैं भाई स्कूल जाने के लिए, दोनों हो चुके तैयार।
तो गाइस देखो दोनों रेडी हो चुके हैं, तो चलो गाइस एक बार इनको ना इनके बस स्टॉप पे ड्रॉप करके आते हैं। तो नबी नबी चले बेटा, कोई बात नहीं चले क्या। अभी तो नबी फोन देखेगा फिर उसके बाद चलेगा। तो नबी ने भाई अपने अस्त्र शस्त्र मतलब अपना स्कूल बैग टांग लिया है और नबी हो चुका है तैयार। चले बुला के लाओ जल्दी। ठीक है कहाँ है, 5 रुपए मिले। ठीक है तो मैंने भाई अपनी बाइक को लगाई चाबी और नवी और शनाया आ चुके हैं घर से बाहर और अब अभी इनको दोनों को बैठाता हूँ मैं बाइक पे। तो गाइज मैं हो चुका हूँ भाई शनाया को और नवी को लेके रेडी हो चुका हूँ। ये देखो नवी भी बैठा है और शनाया भी बैठी है। तो चलो एक बार इनको बस स्टॉप पे छोड़ के आते हैं। तो शनाया को दिलवानी थी भी रास्ते में से पेंसिल, तो मैं पहुँच गया हूँ दुकान पर और मैंने इसको दिलवा दी पेंसिल और अभी चलते हैं गाइस शनाया की और नवी की जहाँ बस आएगी स्कूल की, तो गाइस वहाँ पहुँचता हूँ मैं और वहाँ पहुँचने के बाद फिर देखते हैं बस आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, क्योंकि दिख तो रहा है। पर यहाँ पे भाई नवी की और शनाया की बस अभी नहीं आई है, अभी थोड़ा सा इनको वेट करना पड़ेगा। आज ये 10 मिनट पहले आ गए हैं, मेरे साथ आ गए थे। तो गाइस इनकी बस आ चुकी है, तो चलो एक बार इनको बस में बैठा के और वापस मैं पहुँचता हूँ घर पर। घर पहुँच गया गाइस, तो भाई घर आकर मैंने देखा मीनू तो भाई दोबारा सो गई, दोबारा सुन लग रही है बता भाई। देखो तड़के 4:30-5 बजे उठ के और काम कुम निपटा के नवीर ने तैयार तूर करके खाना वाना उनका बना के और दोबारा सो गई। बताइए कोई मतलब होया, एक बार उठे पाचे कौन सोया करे दोबारा। उठियो हैं, उठियो उठो 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 उठो, गुड मॉर्निंग, उठो उठो जी, नींद आ रहा है, बकत तो उठी थी। फिर बकत तो उठी थी क्या बात होगी, चलो खाना वाना बना लो। मम्मी का भी मम्मी वेट कर लग रही है, चलो खाना वाना बना लो, उठ लो उठो उठो यार, तभी मच्छी करनी है पड़ेगी अन्नू, बड़े बड़े तो काम चल रहा है बता। तो भाई मैं एक बार मीनू तो पूछू पूछा आपके बारे में, क्योंकि मैंने तो बाद में पूछा था मैं तो एक बार बताइयो वो सांप कित पाया। मैं सुबह उठ कर गई ना नहाने के लिए, हाँ नहाते टाइम वहां पर साबुन दानी उठाऊं थी, हाँ साबुन दानी के नीचे पाया। अच्छा फिर उसका मतलब उसकी मुंडी किसने छेती, चाची ने, चाची ने साब बाथरूम में पाया भाई साबुन दानी के नीचे और भाई फिर उसकी मुंडी छेती चाची ने, कसूती चाची मारी अड़े पड़ोस में, मतलब एक मिनट में जय भी मारेगा सांप सूपा हो ना जितनी बार भी, चाची ने बुला के लिया ग्राम। तो भाई चलो मैं भी एक बार नीचे जाकर नहा धो लूँ, नहाए धोए पाचे थोड़ी सी फुर्ती सी आ रहा है, एक्टिव रहा आदमी, तो चलो एक बार चलते हैं गाइस नीचे और नहा लेता हूँ। नीचे तक काम करके ना ऊपर आई हूँ, ऊपर आके देखा तो सारा कमरा बिखरा पड़ा है, रूम रैम भी सेट करना है और उनकी रोटी लेकर आई मैं नहाने जा रहे हैं, इतनी नहीं नहा कह लिए, कितना टाइम हो गया, मैं रोटी भी बना लाई सारी। हाँ लिए इतनी देर ला कर ना आती है यू के टांगो ये फ्यूम इतनी मुकार पापा बेटे ने जमा बह मोर फ्यूम का है। अरे फ्यूम तो लगाना पड़ता है ना, क्या इतना थोड़ी लगा कर है, मैंने तो स्मेल आवे इसमें तो कोई बात नहीं, और फ्यूम ने तो छोड़ो आपने बताओ ये देखिए यह शर्ट भी कितनी ऊंची होगी, तुम देखो लंबी होगी, बद गया आप मन लग गया, हाँ बद गया मैं है ना, हाँ सही को फिर इसने क्या करोगे, ये शर्ट तो पप्पू देनी पड़ेगी, ये देखियो बाजू भी लांडी होगी इसकी, देखियो बाजू भी छोटी होगी, ये बाप बदन पड़ रहे हो, बदन पड़ रहा हूँ फिर नहीं छोटन पड़ रहा हूँ, पर कोना है लांडी होगी शर्ट, बहुत थोड़ी थोड़ी लांडी हो आपकी शर्ट, कोना पहन जो गिरी है कोना है भैया, भैया ने क्या हो गया। नवी भी आ लिया था भाई स्कूल से, उसके बाद फिर नवी ने रेस्ट करा भाई,
नवी सो गया था, उसके बाद फिर उठ गया था, खाना वाना हो गया था नवी का भी। तो आप भी देखो भी नखुन चबल लग रहा पैर के, जो पैर का अंगूठा है अगर ना उसके नाखून अपने मुंह तक खा जाए। देख लो इसने, इसके नेल कटर तक काटने की जरूरत ना पड़ती, इतनी ठाडी कलाकारी है। देख लो चुकरी खान लग रहा था, देखा होगा आपने। तो इस तरह की नौटंकी चला इसकी, बाबा रामदेव ने फेल कर रहा है देखो। तो गैस नवी खाना खा रहा था भाई, अभी नवी खाना खाते टाइम भाई पूरी एक्टिंग करा रहे, और उसकी एक्टिंग ने भाई देखो मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। खाना खाते टाइम उसने दाल खिंडा दी, खुद भी दसा और देखो मैं भी दसा दिया सारा। ये देखो देखो सारे गए, ये सारे पीले पीले कर दिए ना दाग, ये सारे दाल खिंड रही है, नवी ने खिंडा रखी है। अरे ब्रोन लग गया, क्या हो गया है? दिखाओ ना, सांस फूल गया, सांस फूल गया, सांस फूल गया। अच्छा क्या हो गया था? अच्छा 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 अच्छा, आज फिर कोई बात नहीं, चेंज करेंगे बेटा, आ जाओ चुप हो जाओ। देखियो फिर आपने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। ये देखो देखियो ये सारी पीली 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 होगी। देखियो आपने दाल खिंडा दी, सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे। अच्छा इसको साफ करूंगा। किससे? इससे साफ करने पड़ेंगे अभी। बाथरूम निकल गया पजामे से, कोई बात नहीं इसको चेंज करेंगे बेटा अभी, ठीक है? मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है? ये भाई सारी मेरी व्हाइट शर्ट थी उसका पीला बना दिया, नवी ने दाल खिंडा दी भाई इसके ऊपर, और फिर नवी ने सुनी भाई बड़ी आ गई। चलो भाई वो साफ कर लेता हूँ इसको, ठीक है? ऐसे ऐसे आगे नहीं करना बेटा, ठीक है? ओके, आराम से बैठ के खाते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए। ऐसे नौटंकी करके खाना नहीं खाते। क्या आगे? मेरी बात सुन के मच्छर आ गए। मच्छर आ गए? कहाँ है मच्छर? एलर्जी है मेरा जालिया लड़का। लड़का जालिया मच्छर? हाँ। कोई बात नहीं अभी मच्छर को पिटाई करेंगे मच्छर की, ठीक है? बार बार आ रहे अपने घर से। कोई बात नहीं अभी उसको भगा देंगे मच्छर को, अपने घर जा रही है। अभी भगा देंगे उसकी पिटाई करेंगे अभी, ठीक है? सॉरी पापा जी, मैं आज के बाद दाल नहीं खाऊंगा। आराम से खाना खाओगे? आराम से बैठ के खाना खाना है, ठीक है? हाँ नौटंकी बाजी नहीं करनी, ठीक है? तो गैस देखो भाई नवी ने भी मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए भाई, ठीक है? और भाई देखो कती दाल दाल खिंडा दी, क्योंकि ये ना खाना खाते टाइम थोड़ी हलचल ज़्यादा करा रहे। तो चलो गैस एक बार मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, और नवी को भी थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। नवी भी रोने लग रहा था भाई, क्यों गुस्से गुस्से में इसी डांट दिया। तो गैस नवी ने एक्सेप्ट कर लिया भाई, आज के बाद मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगा, नौटंकी बाजी नहीं करूंगा, ठीक है? नवी ने सॉरी मांग ली भाई। तो चलो गाइस मैं कर रहा हूँ इस व्लॉग का यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।